दोस्तों क्या हो जब आपको एक मौका मिले कि आपके एक बटन दबाने से पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे गायब हो जाएंगे और यह पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, तो जहां उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि वह सालों से देखना चाहता था। एक लड़की का बरा जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला था। फिल मिलर उस बरा को सूंघने लगता है और बेहोश हो जाता है कि वह एक सुंदर लड़की के गोद में है जो कि उसे किस कर रही है। तभी उसे वास्तव में होश आता है और वह देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही है। वह सुंदर तो नहीं पर उम्र में उससे बड़ी होती है, जो कि फिल मिलर को CPR दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फिल मिलर मर रहा है। वह तुरंत उस लड़की से दूर हट जाता है और उससे कहता है कि वह सुंदर लड़की कहाँ गई। कैरोल उसे अपने अंडरपैंट को देखने को कहती है जो कि गीला होता है। फिल मिलर उसे कहता है कि मैंने अपने अंडरपैंट को गीला नहीं किया और वह कैरोल की तरफ बढ़ता है। यह देखकर कैरोल बंदूक निकाल लेती है और फिल मिलर मान लेता है कि हाँ उसने अपने पैंट को गीला किया था। कैरोल उसे बताती है कि अलाइव इंटेक्शन देख कर वह यहाँ पर आई है। ऐसे तो फिल मिलर हर रोज भगवान से लड़की मांगता था पर आज लड़की उसके सामने थी पर वह उतना उत्साहित नहीं होता। कैरोल फिल मिलर के साथ उसके घर देखने जाती है। रास्ते में फिल ट्रैफिक नियमों को नहीं मानता। कैरोल उसे कहती है कि हमें ट्रैफिक नियम को मानना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए, पर फिल कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। पर वह कैरोल को अच्छा फील कराने के लिए वह ट्रैफिक में रुकता है। पहले वह राइट देखता है, फिर वह लेफ्ट और फिर आगे बढ़ता है। कैरोल फिल के घर देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके पास दो पुल थे। उसमें से एक को उसने शौचालय बना रखा था और दूसरे को कूड़ा फेंकने का जगह। कैरोल उस पर पेंटिंग चुराने का भी इंजाम लगाती है। और जब कैरोल उससे मैगजीन के बारे में पूछती है तो फिल सीधा सीधी कहता है कि यह सारी मैगजीन अडल्ट है जिसे वह खाली समय में देखा करता है। फिल कैरोल को वहीं छोड़ देता है जहां से वह कैरोल को उठाकर अपने घर लाया था। अगले दिन जब फिल उठता है तो वह देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिल बोलता है कि किसी के घर को साफ करने से पहले उससे पूछना चाहिए। कैरोल कूड़े को वहीं फेंकने लगती है। फिल उसे रोकता है। ये लोग सुपरमार्केट जाते हैं जहां कैरोल उसे बोलती है कि हैंडीक्राफ्ट के पार्किंग स्थल में गाड़ी पार्क मत करो। पर फिल बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कहीं भी गाड़ी पार्क करें, इस पूरी दुनिया में हम दोनों ही बचे हैं या पूरी दुनिया खाली है और मैं कहीं भी गाड़ी पार्क करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। पर कैरोल नहीं मानती, उसे सही जगह में गाड़ी पार्क करने को कहती है। फिल को गुस्सा आ जाता है और वह सुपरमार्केट के अंदर गाड़ी को पार्क कर देता है। रात के समय फिल अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है और कैरोल की शिकायत करता है। अगले दिन जब कैरोल उसके पास के घर में रहने आती है तो फिल उसे रोकने की कोशिश करता है और जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपने पैंट को खोल देता है ताकि कैरोल उसे असभ्य इंसान समझ कर वहां से चली जाए। पर कैरोल उससे बात करने लगती है। फिल उसे रुकने को कहता है और जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपने पैंट को पहन लेता है। कैरोल को लग रहा था कि भगवान ने उसे और फिल को इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है, पर फिल कहता है कि तुम इस दुनिया में अगर आखिरी औरत भी बची तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। कैरोल फिल के पास जाती है, वह टॉयलेट कर रहा होता है। कैरोल फिल से उसके बगीचे में पानी लाने के लिए मदद मांगती है ताकि वह फ्रेश और ताज़े वेजिटेबल उगा सके, पर फिल मना कर देता है तो कैरोल उसके सामने ताज़े टमाटर खाकर उसे चिढ़ाने लगती है ताकि फिल उसकी मदद करे, पर फिल उसकी मदद नहीं करता। रात में फिल उसके बगीचे में जाकर सारे टमाटर को खा लेता है और जब अगले दिन कैरोल उसके घर जाती है तो वह देखती है कि फिल के पूरे कपड़े में टमाटर लगा हुआ है, पर फिल साफ साफ मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाई। फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश करने में कैरोल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन फिल देखता है कि कैरोल उसी की तरह पूल में लकड़ी का बोर्ड लगाकर उसे टॉयलेट में बदल रही थी। कैरोल फिल से कहती है कि तुम सही थे, हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है। जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो हम इस दुनिया को क्या चलाएंगे। यह बात फिल के दिल में लगती है और वह शहर के टैंकी से कैरोल के घर तक पानी लाने का व्यवस्था कर देता है। कैरोल यह देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है जहां ये लोग ताज़े सब्जी से बने डिनर का
लुत्फ उठाते हैं। कैरोल फील से कहती है कि तुमने मुझे अपना पैंट उतार कर दिखाया, शायद भगवान चाहता है कि हम इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिल भी कैरोल के साथ सेक्स करने को तैयार हो जाता है, पर कैरोल शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती थी। फिल कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो कोई देखने के लिए भी नहीं है। कैरोल शादी से पहले सेक्स करने को तैयार नहीं होती, वह बोलती है कि बिना शादी के वह बच्चे पैदा नहीं करेगी। फिल उसकी बात मान लेता है और उसे प्रपोज करता है शादी करने के लिए। कैरोल भी मान जाती है। फिल अपने घर चला आता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।